हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टेप अप ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ, तो 23 फरवरी के हैं। लेकिन उससे पहले मैं आशा करती हूँ आपने हमारी पुरानी वीडियो को देखा होगा और समझा होगा, और वो वीडियो आपके काम भी आई होंगी, क्योंकि करंट अफेयर हमें कई एग्जामों में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बैंक, JKSSB, SSC और कई अन्य एग्जामों में। तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी हैज जॉइन द ग्लोबल CMEWE 6 अंडर सी केबल कॉन्स्टिट्यूशन। किस इंडियन टेलीकॉम कंपनी ने ज्वाइन किया है ग्लोबल CMEWE 6 अंडर सी केबल कॉन्सोर्टियम को? एंड द करेक्ट आंसर इज एयरटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड थिंकिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो वर्ल्ड थिंकिंग डे है वो हर साल किस दिन देखा जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज फरवरी 22। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया फर्स्ट पास सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इंडिया की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी किस सिटी में इनॉग्रेट की गई है? एंड द करेक्ट आंसर इज नासिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 16 2022 विद विच कंट्री एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर? इंडियन एयरफोर्स अभी पार्टिसिपेट करने वाली है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 in 2022 विद विच कंट्री एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर? एंड द करेक्ट आंसर इज ओमन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन पावर कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर विद जर्मनी बेस्ड RWE रिन्यूएबल GmbH टू एक्सप्लोर पोटेंशियल फॉर अ जॉइंट डेवलपमेंट टू ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? किस इंडियन पावर कंपनी ने पार्टनर किया है जर्मनी बेस्ड RWE रिन्यूएबल GmbH टू एक्सप्लोर पोटेंशियल फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज टाटा पावर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री बैग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल एट 2022 विंटर ओलंपिक्स गेम? किस कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल लाए हैं 2022 विंटर ओलंपिक गेम में? एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नोटेड फ्रीडम फाइटर एंड गांधीयन सोशल वर्कर शकुंतला चौधरी हैज पास्ड अवे, शी हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट? नोटेड फ्रीडम फाइटर और गांधीयन सोशल वर्कर शकुंतला चौधरी की अभी डेथ हुई है, शी वॉज हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट? एंड द करेक्ट आंसर इज असम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज बीन हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी टू होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक्स? किस कंट्री ने हैंड ओवर की है प्रेसिडेंसी टू होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक्स? एंड द करेक्ट आंसर इज इटली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अप्रूव द कॉन्टिन्यूशन ऑफ राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान स्कीम टिल? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान स्कीम टिल 31 मार्च 2026। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन हैज री इलेक्टेड हु अमंग द फॉलोइंग एज इट्स चेयर? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट ने अभी कमीशन री इलेक्ट की है हु अमंग द फॉलोइंग एज इट्स चेयर? एंड द करेक्ट आंसर इज इमा थेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पाइपल एंड द एंटरप्रेन्योर हु शेप्ड सिलिकॉन वैली? कौन है ऑथर जिसका बुक का टाइटल है द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पाइपल एंड द एंटरप्रेन्योर हु शेप्ड द सिलिकॉन वैली? एंड द करेक्ट आंसर इज जिमी सोनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बीइंग बिल्ट? कहाँ पे इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अभी बिल्ट हो रहा है? एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द 48 खजोरिया डांस फेस्टिवल हेल्ड? कहाँ पे 48 खजोरिया डांस फेस्टिवल होने जा रहा है? एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट इट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क एट भुला इन झंझली वैली? किस स्टेट को अभी अपना पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला है भुला इन झंझली वैली? एंड द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ होंडा कार इंडिया लिमिटेड? किसे अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ होंडा कार इंडिया लिमिटेड का? एंड द करेक्ट आंसर इज ताकिया तसुमुरा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गवर्नमेंट हैज लॉन्च पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज एसोसिएटेड विद कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पर्पल
रेवोल्यूशन इन जम्मू और कश्मीर में इट इज़ एसोसिएटेड विद विच कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप एंड द करेक्ट आंसर इज लवेंडर. My next question is question number 17. India has inked roadmap on blue economy and ocean governance agreement with which of these countries? India ne abhi ink kiya hai roadmap on blue economy and ocean governance agreement with which of the countries? And the correct answer is France. Our next question is question number 18. Which country has recently announced the close of its Taiwan investor visa, also known as the golden visa? Kis country ne abhi announce kiya hai close karna Taiwan investor visa, also known as the golden visa? And the correct answer is United Kingdom. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. द फॉर्मर श्रीलंकन एयरलाइन सीईओ विपुला गुंडलांकी हैज बीन रोप्ड इन एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच एयरलाइन कंपनी इन इंडिया. तो फॉर्मर श्रीलंकन एयरलाइन सीईओ विपुला गुंडलांकी को अभी किसके रोप किया गया है एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच एयरलाइन इन इंडिया. एंड द करेक्ट आंसर जेट एयरवे. महाराज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. द यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज वीक लॉन्ग साइंस एग्जीबिशन टाइटल विज्ञान सर्वता पूज्यता. द इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज एट हाउ मेनी लोकेशन साइमल्टेनियसली. यूनियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है एक वीक लॉन्ग साइंस एग्जीबिशन टाइटल विज्ञान सर्वत्र पूज्यता. तो इवेंट है वो कितने लोकेशन पे साइमल्टेनियसली चल रहा है. एंड द करेक्ट आंसर इज 75. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. स्टे कनेक्टेड स्टे ट्यून्ड.